नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पिरिट समान एथन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 49 है। इससे पहले मैं इसका 48 पार्ट बना चुका हूं। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्त चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी का घोषक है। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्मदिन का घोषक है? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का घोषक है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित की गई है। भारत में द्वितीय रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में स्थित है। हेलीविन में होयसल द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। हेलीविन में होयसलों द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हैं। एक घूर्णी फ्लाइंग का RPM स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। एक घूर्णी फ्लाईहील का RPM किसके द्वारा मापा जाता है? RPM के द्वारा मापा जाता है। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकेंड एक रेडियम 9.549 RPM के बराबर होता है। प्रति सेकेंड एक रेडियन कितना RPM के बराबर होता है? 9.549 RPM के बराबर होता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। चरक एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद थे। चरक क्या थे? एक सुविख्यात चिकित्सक आयुर्वेद था। छठवीं से आठवीं सदी में पल्लव और चालुक्य के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था। छठवीं और आठवीं सदी में किसके द्वारा मंदिर निर्माण के पर्याप्त संरक्षण मिला था? पल्लव और चालुक्य के द्वारा। कोंकण रेलवे कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक प्रपात बेलगामी जिले में स्थित है। गोकक प्रपात के जिले में स्थित है, बेलगामी जिले में स्थित है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो उत्तल ज़्यादा होता है। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है? उत्तल ज़्यादा होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। रेबीज की टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अच्युत राज के शासन काल में पुर्तगाली यात्री न्यूनिज विजयनगर आया था। किस राजा के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री न्यूनिज विजयनगर आया था? अच्युत राज के शासनकाल में आया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी पर है। ग्रांड एंटीकट नहर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जोगफल कर्नाटक में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? जोगफल कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की गई। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश राज्य में की गई। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेलारी कर्नाटक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बेलारी जिले में स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत 8 पिन जोन में विभाजित है। भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 8 पिन जोन में विभाजित है। चंपू गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। चंपू क्या है? गद एवं पद की मिलीजुली पद्धति है। भारत में रेलवे का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके ऋणी है? हरिहर एवं बुक्का का ऋणी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के मामले की जाँच लिब्रामा आयोग कर रही है।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे गिराए जाने के जांच कौन कर रही है? लिब्राहम आयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक आरबीआई है। भारत की विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? आरबीआई है। गांधी जी ने चौरा चोरी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी के बाद। कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ पे प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे युद्ध किया था? शकों से युद्ध किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था? यूनानी ग्रीक मेगास्थनीज था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित करना था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना को सुव्यवस्थित करना था। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पे होता है? प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी? 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में समाप्त किया। निशांत बाग को आसिफ अली ने बनवाया था। निशांत बाग को किसने बनवाया था? आसिफ अली ने बनवाया था। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील 385 गज होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? 26 मील 385 गज। चापेकर भाइयों का संबंध WC रैंड की हत्या से है। चापेकर भाइयों का संबंध किससे है? WC रैंड से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक 10% होता है। समुद्री जल में साधारण नमक कितना परसेंट होता है? 10% होता है। लीफ बाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ बाइट रोग किस में पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगीज था। भोजपत्र बेटूला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र किसकी छाल से उत्पन्न होता है? बेटूला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पंजाब है। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होती है। भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पे खर्च होती है? ईंधन तेल पे खर्च होती है। खैबर पास पाकिस्तान में स्थित है। खैबर पास कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत बहिर्मंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल क्या कहलाती है? बहिर्मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। पारादीप और कांडला बंदरगाह क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर अवस्थित है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है। विद्युत धारा का मापन किससे होता है? एमीटर से होता है। स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर है। पेट्रोलियम सेडिमेंटरी बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? सेडिमेंटरी बेसिन में पाया जाता है। 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति बिहार कुंवर सिंह। बिहार का सेनापति कौन था? कुंवर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल।
लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब एवं तात्या टोपे, कानपुर नाना साहब एवं तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मी बाई, झांसी रानी लक्ष्मी बाई, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, फतेहपुर सिकरी अजीमुल्ला, फतेहपुर सिकरी अजीमुल्ला, बरेली खान अब्दुल गफ्फार खान, बरेली खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है 1857 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति, बिहार में कौन था, विलियम टेलर विंसेंट आयर, बिहार विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, लखनऊ में कैंपवेल, लखनऊ में कैंपवेल, कानपुर में कैंपवेल, लखनऊ और कानपुर में कैंपवेल, झांसी हीरोज, झांसी में ब्रिटिश सेनापति कौन था, हीरोज, दिल्ली निकोलसन एवं हडसन, दिल्ली निकोलसन एवं हडसन, इलाहाबाद जनरल नील, इलाहाबाद जनरल नील, फतेहपुर जनरल रेंड, फतेहपुर जनरल रेनाल्ड। नेक्स्ट है 1857 क्रांति पर विद्वानों का मत, विद्रोह का स्वरूप और विद्वानों का मत, सैनिक विद्रोह था यह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने बोला था, सैनिक विद्रोह था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले बोला था, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने बोला था, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यह किसने बोला था, बीडी सावरकर ने बोला था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध टीआर होम्स ने बोला था, हिंदू मुस्लिम संयंत्र जेम्स आउडरम व टेलर ने बोला था, हिंदू मुस्लिम संयंत्र जेम्स आउडरम व टेलर ने बोला था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने बोला था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरायली ने बोला था, न ही राष्ट्र न ही स्वतंत्रता संग्राम था आरसी मजुमदार बोला है, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था यह आरसी मजुमदार बोला था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह एलईआर रिज बोला था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह एलईआर रिज ने बोला था। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख जलमंडल मध्य है, नाम और भूभाग, बेरिंग अलास्का अमेरिका एवं रूस के बीच, बेरिंग अलास्का अमेरिका एवं रूस के बीच, पाक भारत एवं श्रीलंका, पाक भारत एवं श्रीलंका, जिब्राल्टर स्पेन एवं मोरक्को, जिब्राल्टर स्पेन एवं मोरक्को के बीच स्थित है, डोबर इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, डोबर इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, फ्लोरिडा अमेरिका तथा क्यूबा, फ्लोरिडा अमेरिका तथा क्यूबा के बीच स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां, पीटीआई यूएनआई भारत, पीटीआई यूएनआई भारत, अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा इंडोनेशिया, सिनोवा चीन, सिनोवा चीन, तास रूस, तास रूस, एपी यूपीआई अमेरिका, एपी यूपीआई अमेरिका, राइटर्स ब्रिटेन, राइटर्स ब्रिटेन, बर्नामा मलेशिया, बर्नामा मलेशिया, अंसा इटली, अंसा इटली, एएफपी फ्रांस, एएफपी फ्रांस, इरना ईरान, इरना ईरान, वाफा फिलीपींस, वाफा कहाँ का समाचार एजेंसी, फिलीपींस की, नोवोस्ती रूस का है, नोवोस्ती रूस का है, मेना मिस्र का है, इतिम इजराइल का है, डीपीए जर्मनी का है, डब्ल्यूएपी ऑस्ट्रेलिया का है, यूपीपी पाकिस्तान का है, बीएसएस बांग्लादेश का है।